आप देख रहे हैं बीबीसी और इस वक्त हम हैं राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके में, जहां एक बड़ी इमारत में आग लगने की घटना में अब तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जैसा कि यहां मौजूद अधिकारियों ने हमें बताया है, 60 से 70 लोगों को बचाया गया है और करीब 40 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कैमरा के पीछे से देवाशीष मेरे साथ हैं और यहाँ पर कई फायर टेंडर हैं। आज शाम 4:04 पर इस इमारत में आग लगने की सूचना दिल्ली फायर ब्रिगेड को मिली थी। जैसा कि दिल्ली फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया है, तुरंत करीब 20 फायर टेंडर यहां मौके पर भेजे थे। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद रात 10 बजे के करीब आग को बुझा लिया गया और 10 बजे के करीब ही फायर ब्रिगेड की तरफ से ये जानकारी दी गई कि इस घटना में करीब 20 लोगों की मौत हुई है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ देर पहले यहां मौजूद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने हमें बताया था कि अब तक मरने वालों की तादाद 27 हो चुकी है। और मैं देवाशीष से कहूंगा एक बार ये एनडीआरएफ की टीम की तरफ कैमरा करें। एनडीआरएफ की टीम यहां कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है, एम्बुलेंसें आ जा रही हैं और आसपास के अस्पतालों में यहां घायल लोगों को पहुंचाया गया है। अब से थोड़ी देर पहले मेरी एक अधिकारी से बात हो रही थी, उनका कहना था कि 6 घंटे का सर्च ऑपरेशन इसमें चलाया गया था और अभी कुछ लोग और यहां फंसे हो सकते हैं। पूरी बिल्डिंग का कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी नहीं किया गया है। एनडीआरएफ की जो है एक टुकड़ी यहां मौजूद है जो यहां पर अपना बचाव अभियान चला रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर ब्रिगेड, दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग यहां मौजूद हैं। पुलिस ने आसपास के एरिया को की कॉम्बिंग कर दी है और यहां आम लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है मीडिया के अलावा। ये एक व्यस्त रोड है जो दिल्ली को हरियाणा से जोड़ती है। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था तो यहाँ से कुछ दूर ही टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया था। और ये वो इमारत है, अगर हम इसके ग्राउंड फ्लोर को जोड़ना शुरू करें तो 4 बड़े बड़े फ्लोर हैं। और मैं देवाशीष से कहूँगा एक बार तारों को दिखाएं। इस बिल्डिंग के बिल्कुल करीब से बिजली की हाई वोल्टेज लाइव वायर्स निकल रहे हैं, हालांकि अभी यहाँ से बिजली काट दी गई है। इस अग्निकांड की घटना के बाद कई सवाल उठेंगे, बहुत से सवाल होंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, क्या वजह रही कि आग लगी, और 4:40 पर फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी तो क्या पुलिस फायर ब्रिगेड यहां वक्त पर पहुंच पाई, क्या वक्त रहते राहत बचाव अभियान चलाया जा सका, ये सब सवाल उठेंगे। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं इस फेसबुक लाइव में, उन्हें हम बता दें हम दिल्ली के मुंडका इलाके में हैं, जहां आज शाम 4:40 पर इस इमारत में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली थी और अब तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि इस घटना में हो चुकी है। मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हमें बताया है कि 40 से अधिक लोगों को आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया गया है, करीब 70 लोगों को यहां से बचाया गया है। और हम कुछ चश्मदीदों से यहां बात कर रहे थे कैमरा पर आने से पहले, तो उनका कहना था हो सकता है कुछ लोग यहां से कूदे भी हों। बताया जा रहा है कि आग जो है बिल्डिंग के नीचे से शुरू हुई और ऊपर तक चली गई, और अगर अभी आप इसको देखें तो पूरी इमारत आग की चपेट में आई थी। काफी बड़ी इमारत है, यह पूरी इमारत तबाह हो चुकी है। जैसा कि हमें बताया गया है कि यहां पर कुछ ऑफिसेस थे, ये कंक्रीट का मजबूत स्ट्रक्चर है, इसका जो फर्निशिंग है वो पूरी तरीके से जल चुकी है, लेकिन जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है ये अभी खड़ा है। हालांकि एनडीएफ इसकी स्ट्रक्चरल कैपेसिटी को चेक कर रही है कि क्या इमारत अभी गिरेगी तो नहीं, इसको परखा जा रहा है। और अब से कुछ देर पहले फायर ब्रिगेड की जो अभी आपको यहाँ अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, ये रिलीविंग टीम है जो पिछले 6 घंटे से फायर ब्रिगेड का पहला दल था वो यहां से जा चुका है। अभी जो आपको यहां पे फायर टेंडर्स दिख रहे हैं या जो अधिकारी मौजूद हैं, नई टीम अभी आई है उनको रिलीव करने के लिए। अब से पहले थोड़ी देर पहले मेरी फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने हमें बताया कि अभी उनका फोकस ये है कि इस इमारत में कोई है तो नहीं, ये चेक करना। तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, फायर ब्रिगेड की टीम है अभी अंदर और
जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, हम इस वक्त दिल्ली के मुंडका इलाके में हैं, जहां आज शाम आगजनी की एक घटना में अब तक 27 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 70 से अधिक लोगों को बचाया गया है यहां से और करीब 40 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली में आग लगने की ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई आगजनी की बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। आज की इस घटना के क्या कारण हैं ये विस्तृत जांच के बाद पता चलेगा। और अब से थोड़ी देर पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनके परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया है। देवशीष से कहूंगा उस तरफ दिखाएं, अभी भी जो है धुआं यहां उठ रहा है। हालांकि अब से करीब एक घंटे पहले आग को पूरी तरह बुझा लिया गया था। इस आग को बुझाने में 6 घंटे का एक बड़ा ऑपरेशन चला जिसमें 20 से अधिक फायर टेंडर्स मौजूद थे। अभी फिलहाल यहां पर दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर ब्रिगेड और NDRF की टीमें हैं। इसके अलावा दिल्ली सिविल डिफेंस यहां मौजूद है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का ये भी कहना है कि यहाँ पर अभी कुछ लोग और भी फंसे हो सकते हैं, हालांकि इनकी संख्या 10 से कम हो सकती है, लेकिन ये पुख्ता जानकारी नहीं है। ऊपर इमारत में धुआं भरा हुआ है तो वहाँ पर जो है काम करना भी ऑपरेशन का इतना आसान नहीं है। हमने अभी थोड़ी देर पहले फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी से सवाल किया कि आग को बुझाने में इतना वक्त क्यों लगा, तो उनका कहना था चूँकि एक कंक्रीट स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो है बहुत सारी फर्निशिंग्स भी थी तो आग कई जगह दहक रही थी और रह रह के वो दहक रही थी, तो इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ा गया क्योंकि इसको कंट्रोल करना भी बहुत आसान नहीं था। कई तरीके के खतरे फायर ब्रिगेड के सामने भी थे, लेकिन यहाँ मौजूद हर व्यक्ति के मन में ये सवाल है कि जब आग की घटना की सूचना 4:40 पे हुई तो जो मरने वालों के बारे में जानकारी 10:15 क्यों मिली। इस बारे में जो है फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने हमसे बताया कि बहुत से लोग जो हैं इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर मिले हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से लोगों की मौत जो है धुएं से दम घुटने की वजह से भी हुई है। ये एक बहुत बड़ी घटना है, इसके अलग अलग पहलुओं की अलग अलग जांच होगी। हो सकता है इसके बाद जो है सेफ्टी को लेकर सख्त नियम बनाए जाएँ, जो मौजूदा प्रोसीजर्स हैं, जो मौजूदा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, हो सकता है उन पर सवाल उठें। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी यही है कि इस आग लगने की घटना में अब तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। शुरुआत में 16 लोगों की मौत की जानकारी दी गई थी, फिर 19 लोगों की मौत के बारे में बताया गया था और उसके बाद जो है अभी थोड़ी देर पहले 27 लोगों की मौत की जो है कंफर्मेशन की है। पुलिस का कहना, पुलिस यहाँ से मीडिया कर्मियों को हटा रही है क्योंकि हो सकता है उनका ये मानना है कि यहाँ पे थोड़ा सेफ ना हो। ये मेन रोड है जो जाती है और बिल्कुल रोड के करीब है। ये मेट्रो लाइन है जो आगे टीकरी बॉर्डर तक जाती है और उससे आगे जाती है। किसान आंदोलन यहीं से थोड़ी दूर आगे हुआ था, मैं पहचान के लिए जगह को बता दूं। और ये बिल्कुल ऑन रोड ये इमारत है। ये सवाल भी उठ रहा था कि क्या यहाँ तक फायर ब्रिगेड को पहुँचने में वक्त लगा, लेकिन एक्सेस इस इमारत तक जो है रोड का है, काफ़ी चौड़ी ये रोड है, तो अगर सड़क ब्लॉक करके जो है फायर टेंडर्स यहाँ आते तो शायद उनमें ज़्यादा वक्त ना लगा हो। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इमारत तक पहुँचने में फायर टेंडर्स को वक्त लगा हो, लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि एक चौड़ी रोड तक एक्सेस है इस इमारत का, तो हो सकता है फायर टेंडर्स को पहुंचने में बहुत वक्त यहां ना लगा हो। लेकिन जिस रोड पर यह इमारत है वो बहुत व्यस्त रहता है, यहां काफ़ी ट्रैफिक रहता है। अभी भी हम दिखा सकते हैं, अभी भी यहां पर ट्रैफिक जाम लगा है 12:30। तो दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। हम कोशिश करेंगे कि इस घटना के बारे में और भी जितनी जानकारियाँ हैं वो हम आपको पहुँचाते रहें। अभी तक हमारे पास पुख्ता जानकारी यही है कि प्रशासन ने इसमें 27 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। हो सकता है यह आशंका भी जाहिर की जा रही है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों को अस्पताल भी ले जाया गया है जिनमें कई लोगों की हालत
गंभीर बताई गई है। अभी यहाँ मौजूद एडमिनिस्ट्रेशन का फिलहाल फोकस यह है कि कैसे जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को सेफ किया जाए, यहाँ से आग को पूरी तरह से जो है बुझाया जाए और इसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी का एनालिसिस किया जाए। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर है जो ये जांच रहे हैं कि क्या ये बिल्डिंग सेफ है, ये गिर तो नहीं जाएगी, और अगर गिरेगी तो फिर आगे क्या करना है। तो अलग अलग टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, एनडीआरएफ है, दिल्ली पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, दिल्ली सिविल डिफेंस है। फिलहाल अभी पिछले लगभग 40 मिनट में यहाँ से किसी को नहीं निकाला गया है जब से हम मौजूद हैं। करीब 11:15 बजे मेरी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात हुई थी, उनका उस वक्त तक कहना था कि राहत और बचाव अभियान चल रहा है। जब हम यहाँ पहुँचे तो कई एम्बुलेंस यहाँ से अस्पतालों की तरफ जो है दौड़ते हुए गई थी। अभी यहाँ पर जो है ऑपरेशन चल ही रहा है फायर ब्रिगेड का। आगजनी की इस घटना के बाद जो है कई सवाल उठेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही उठेगा कि क्या फायर सेफ्टी के जो नियम है उनका ध्यान रखा गया, क्या इमारत में आग से निपटने के इंतजाम थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी इमारत है। इस तरह की इमारतें जब बनती हैं तो फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया जाता है, फायर डिपार्टमेंट लाइसेंस जारी करता है सेफ्टी का, और रेगुलर सेफ्टी चेक भी इतनी बड़ी इमारतों का होता है। ये एक बहुत बड़ी इमारत है। मैं देवाशीष से कहूंगा, देवाशीष इधर से हम थोड़ा सा बैक साइड से दिखाएं ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कितनी बड़ी इमारत है। इस तरफ से तो ये एक बड़ी इमारत है, अगर इसके ग्राउंड फ्लोर और इसके जो है बेसमेंट को गिना जाए तो ये 5 मंजिला है, और ग्राउंड फ्लोर को गिना जाए तो ये 4 मंजिला है, और बड़ी इमारत है। इस तरह की इमारतें जब भी बनती हैं तो उनकी फायर सेफ्टी का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। बिना लाइसेंस लिए फायर सेफ्टी का इस तरीके की इमारत जो है खुल नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, और इनका रेगुलर फायर सेफ्टी चेक भी होता है कुछ महीनों के अंतराल पर। तो ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या यहाँ पर फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम थे। लाइन के पीछे होइए, चलिए। अब बताइए आप लोगों को, मतलब इतने समझदार आदमियों को मुझे इतना वो करना पड़ रहा है। मेरे पास साफ नहीं है, आप लोग तो जैसा हमने बताया मुंडगा में इस एक बड़ी इमारत में एक देखने में कॉमर्शियल स्पेस ये लग रहा है, लेकिन हमारे पास ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि कॉमर्शियल स्पेस था या ये जो है रेसिडेंशियल स्पेस था, लेकिन अगर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये एक कॉमर्शियल स्पेस लग रहा है। और हमें बताया गया है कि कुछ दफ्तर यहाँ चल रहे थे और जो मारे गए हैं वो लोग दफ्तर के कर्मचारी थे। जी मैं दिलनवाज पाशा, कैमरामैन देवशीष के साथ आपको ये जानकारी दिल्ली के मुंडका से पहुंचा रहा था। यहाँ से घटना के बारे में और जो जानकारियाँ हैं हम आगे आपको पहुंचाते रहेंगे। इस घटना में मारे गए लोग कौन थे, किस तरह के बैकग्राउंड से थे, क्या करते थे, ये जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाएँगे। क्या लापरवाहियाँ रहीं, इस घटना से क्या सवाल उठते हैं, वो जानकारी हम आप तक पहुँचाएँगे। फिलहाल ये अपडेट था मुंडका से, और ये आप रोड देख रहे हैं, एक बेहद व्यस्त रोड है जिस पर ये इमारत है। कैमरा के पीछे देवाशीष थे जो ये तस्वीरें, ये विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे थे। सामने एनडीआरएफ की टीम अभी भी राहत और बचाव कार्य में लगी है। दिल्ली में आगजनी की ये बेहद दुखद घटना हुई है जिसमें अब तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और इस घटना से जुड़े हर पहलू पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दिलनवाज और मेरे साथ देवाशीष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।